जहां चाहा वहां रहा। अगर मन में कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो इस सृष्टि में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है अयोध्या के कांधारपुर गांव के ग्रामीणों ने, जिन्होंने प्रशासन की अनदेखी से परेशान होकर खुद ही नदी पर पुल बना दिया। मामला अयोध्या के विकास खंड तारुण की ग्राम सभा कांधपुर का है, जहां ग्रामीणों ने बरसात के पहले ही तमसा नदी पर दिन रात कड़ी मेहनत कर लकड़ी का पुल बना डाला। दरअसल नदी पर पुल बनवाने के लिए ग्रामीणों ने प्रतिनिधियों और अधिकारियों से कई बार फरियाद की, लेकिन जब नेताओं और अधिकारियों ने उनकी फरियाद पर गौर नहीं किया तो ग्रामीणों ने खुद ही नदी पर पुल बनाने का फैसला किया। ये पुल जो है गटवारी बाबा दर्शन करने के लिए हमारे गांव या इलाका के लोग आते हैं जी, उनको बड़ी असुविधा होती है। जब नदी सूखी रहती है तो लोग आसानी से चले आते थे, अब बरसात के दिनों में यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं जी। बस सभी गाँव वालों के प्रेरणा से हम लोगों ने इस पुल का निर्माण किया है। तो कितने दिन में पुल बनाया आप लोगों ने? करीब 15-20 दिन लगा जी। 20-25 लोग इसमें जी कार्य कर रहे थे और सभी के सहयोग थे। तो ये लकड़ियाँ कहाँ से लाई गई? लकड़ियाँ सभी नहीं, गांव वाले सभी मुफ्त में लकड़ियाँ दिए हैं। आपको बता दें कि नदी के पार देवस्थानम पर जाने के लिए ग्रामीणों को या तो नदी तैर कर पार करनी होती थी या फिर ग्रामीण 10 किलोमीटर घूमकर देवस्थान तक पहुंच पाते थे। ग्रामीणों को देवस्थान तक जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने एक बैठक कर नदी पर लकड़ी का पुल बनाने का प्लान बनाया और बिना किसी सरकारी सहायता के ही ग्रामीणों ने अपने पैसों की मदद से तमसा नदी पर एक शानदार लकड़ी का पुल तैयार कर दिया। प्रधान शिवमान साहब जी के सहयोग से और पूरे गाँव के ग्रामीणों के सहयोग से इस पुल का निर्माण हुआ। इस पुल के निर्माण से जो है कई गांव जैसे गंगापुर, कांधरपुर, दरियापुर, नसरतपुर, कल्याणपुर, छतौना और नदी के उस पार, कौन सी नदी है ये? तमसा नदी है। तो? और नदी के उस पार जो है कई गांव हैं जिसमें भया, मठा, सोनबरसा जी के लोगों को काफी सुविधा हो गई। यहां पर एक प्रसिद्ध देवस्थान घटवारी बीर बाबा का है, जहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सारे लोग दर्शन के लिए आया करते थे, जिसको देखकर हम लोगों ने इस बात को प्रधान जी से कहा कि यहाँ पर पुल का निर्माण होना चाहिए। तो प्रधान जी ने कहा कि सरकार का ऐसा कोई बजट तो नहीं है, लेकिन अगर ग्रामीणों का सहयोग, आप लोगों का सहयोग हो तो हम लोग पुल बना सकते हैं नदी पर जी। और उन्होंने बना दिया, उन्होंने पुल का निर्माण कराया। इसमें कहीं सरकारी अनुदान या कहीं सरकारी पैसा नहीं लगा? नहीं, कोई सरकारी पैसा नहीं लगा, कोई सरकारी अनुदान इस पे नहीं मिला है, कोई सरकारी सहायता नहीं मिली, कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है। कांधपुर गांव के ग्रामीणों का ये कार्य एक और आसपास के ग्रामीणों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया है, तो वहीं जन प्रतिनिधियों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव से पहले नेता गांव-गांव घूमकर उनके सुख दुख में साथ देने का दावा तो करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो गांव की ओर देखते भी नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट।